श्योर आप देख रहे हैं नेक्स्ट एंड स्पिरिचुअल आपके साथ मैं हूं रीना। 6 मई 2023 से जिस माह की शुरुआत हो जाएगी। पंचांग के अनुसार हर माह में दो एकादशी आती है, पहली कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष में। जिस माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में अपरा एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन भद्रकाली जयंती भी मनाई जाती है। अपरा एकादशी अपार धन और पुण्य को देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। आइए जानते हैं इस साल अपरा एकादशी की डेट, मुहूर्त और महत्व के बारे में। अपरा एकादशी 15 मई 2023 सोमवार के दिन है। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। असाध्य रोगों से मुक्ति पाने और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए दिन श्री हरि विष्णु की पूजा अचूक मानी जाती है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी तिथि की शुरुआत 15 मई 2023 को प्रातः 2:46 से होगी और अगले दिन 16 मई 2023 को प्रातः 1:03 पर समाप्त होगी। इसी दिन एकादशी व्रत का पारण भी किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण समय सुबह 6:41 से सुबह 8:13 को रहेगा 16 मई को, और विष्णु जी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:54 से लेकर सुबह 10:30 तक है। अपरा एकादशी का महत्व भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो फल गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है वही अपरा एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्त होता है। बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में स्वर्णदान करने से मिलने वाला फल मात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अपरा एकादशी को अजला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री हरि का पूजन ब्राह्मणों को दान करने से कीर्ति और धन में वृद्धि होती है। अपरा एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद श्री हरि को केला, आम, पीले फूल, पीला चंदन, पीले वस्त्र चढ़ाए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। श्री हरि को केसर का तिलक लगाएं और फिर स्वयं भी टीका करें। अपरा एकादशी के दिन अनजाने में हुए पापों का उद्धार करने के लिए जल सेवा करनी चाहिए। पशु पक्षी और मनुष्य को गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए दान पुण्य करना चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।